नमस्कार, राज्यसभा टीवी की खास सीरीज 70 का गणतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देश को आजाद हुए 7 दशक हो चुके हैं। इस दौरान भारत विकास के कई पड़ाव पार कर चुका है, लेकिन फिर भी कई चुनौतियां विकास की राह में आड़े आती रही हैं। इन्हीं में से एक है हर नागरिक को घर देना, जो शुरुआती दौर में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी थी। तो आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे पिछले 70 साल के सफर में आवास जैसी बुनियादी आवश्यकता को लेकर किस तरह की कोशिशें की गईं, किस तरह से सभी नागरिकों, खासकर गरीब और ज़रूरतमंदों को आवास पहुंचाने में सफलता हासिल हो पाई है। तो आइए शुरू करते हैं। भोजन और कपड़े के बाद मनुष्य के लिए आवास सबसे बड़ी जरूरत है। हर शख्स अपने छोटे से मकान का सपना संजोता है, लेकिन कई आर्थिक और सामाजिक कारणों से सबका यह सपना पूरा नहीं हो पाता। आजादी के बाद से ही कोशिश है कि देश के हर नागरिक को अपने परिवार के साथ जीवन बिताने के लिए उसको घर मिल सके। एक आम नागरिक के लिए घर आर्थिक सुरक्षा और समाज प्रतिष्ठा का पर्याय है। एक बेघर व्यक्ति को आवास उपलब्ध हो जाने से उसके अस्तित्व में सामाजिक परिवर्तन आता है। आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय के लिए सभी नागरिकों के लिए समुचित आवास जरूरी है। देश की आवास समस्या को दूर करने के लिए समय समय पर कई कोशिशें की गईं। आजादी के बाद शुरुआती वर्षों में आवासीय योजना के मामले में सुनियोजित व्यवस्था और साधनों का अभाव रहा। 1947 से 1964 की बात करें तो तब संसाधनों और काम करने वालों के अभाव की वजह से आवास के लिए बनाई जाने वाली योजनाएं असरदायी नहीं थीं। देश के विभाजन के बाद शरणार्थी पुनर्वास मंत्रालय द्वारा शरणार्थियों के पुनर्वास की जरूरत को समझते हुए एक आवास कार्यक्रम चलाया गया, जो लगभग वर्ष 1960 तक चलता रहा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 5 लाख जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराया गया। इसी दौरान जनता के लिए मकानों के निर्माण के उद्देश्य से सरकारी आवास बोर्ड की शुरुआत हुई। इसके साथ ही नए नियोजित शहरों की बुनियाद भी रखी जाने लगी। सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके को अपनाते हुए 1952 और 1960 में चंडीगढ़ और गांधीनगर अस्तित्व में आए। धीरे धीरे सरकार का ध्यान ग्रामीण आवास की समस्या पर केंद्रित होना शुरू हुआ, जिसका असर साल 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक ग्रामीण आवास योजना के रूप में दिखा। इस योजना के दौरान व्यक्तियों और सहकारी समितियों को प्रति आवास अधिकतम 5,000 रुपए उपलब्ध कराए गए। इस योजना के अंतर्गत 1980 तक 67,000 आवास बनाए गए। 1972-73 में लोकसभा की प्राकलन समिति ने अपने 37वें रिपोर्ट में कहा कि समिति को ये जानकर खेद हुआ कि भारत की 83% जनसंख्या गांवों में रहती है और लगभग 73% ग्रामीण जनसंख्या असंतोषजनक कच्चे ढांचों में रहती है। इसके बाद सरकार ने कुछ कदम उठाए, जिसमें आवास स्थल और निर्माण सहायता योजना चलाना शामिल है, जो चौथी योजना में एक केंद्रीय योजना के रूप में शुरू हुई और जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश पर 1974 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया।
80 का दशक देश में गरीब और ग्रामीण आबादी की आवासीय जरूरतों के लिहाज से काफ़ी अहम रहा। इस दौरान राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और बाद में एक स्वतंत्र सार्वजनिक आवासीय योजना ने ग्रामीण आबादी के साथ साथ वंचित और पिछड़े वर्ग की आवासीय जरूरतों के लिए नए अध्याय की शुरुआत की। ग्रामीण आबादी की आवासीय दिक्कतों को देखते हुए साल 1980 में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम और साल 1983 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण अवसरों के निर्माण को प्रोत्साहित करना था। साल 1985 गरीब और वंचितों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिहाज से बेहद अहम साबित हुआ। इस साल तत्कालीन केंद्र सरकार ने खासकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों के घरों के निर्माण के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का एक भाग निर्धारित कर दिया। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना 1985-86 में शुरू हुई। ये जवाहर रोजगार योजना के एक भाग के रूप में शुरू की गई। बाद में 1989 में इंदिरा आवास योजना ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का स्थान ले लिया। शुरुआत में इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति, जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना था। बाद में इसके कार्यक्षेत्र में गैर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के ग्रामीण गरीबों और युद्ध में मारे गए सशस्त्र सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों को भी शामिल किया गया। जनवरी 1996 से इंदिरा आवास योजना जवाहर रोजगार योजना से अलग एक स्वतंत्र योजना के रूप में चल रही है। इंदिरा आवास योजना का क्षेत्र जरूरत के हिसाब से बढ़ता रहा है। वर्तमान में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए प्रति आवास अधिकतम 20,000 रुपये की मदद की जाती है। लाभार्थियों का चयन करते समय उन परिवारों को वरीयता दी जाती है जिनकी मुखिया विधवा, अविवाहित महिलाएं, विकलांग और शरणार्थी हैं, या फिर जो अत्याचारों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं। उन परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया जाता है जो परिवार विकास परियोजनाओं से विस्थापित हैं या खानाबदोश हैं। शुरू से ही पक्का मकान का जो डिमांड है वो दोनों साइड से, अर्बन साइड से, रूरल साइड, लगातार चलता रहा, क्योंकि ज़्यादातर पाया गया है कि सिटीज़ में स्लम क्लस्टर्स, और गांव में स्लम क्लस्टर नहीं है, जगह है, सब कुछ है, लेकिन पक्का मकान नहीं है और कच्चा मकान में लोग रह रहे हैं, ऐसे ही स्थिति था शुरू में। तो इसी को ठीक करने के लिए इंदिरा आवास योजना लेके आए, उससे पहले भी और उसके बाद में भी जो कई सारा प्रोग्राम जो चलते रहे उसमें एक कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म में इंदिरा आवास योजना लेके आए। उसमें यह है कि अगर खाली एक कमरा हो और छोटा उसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन पक्का होना चाहिए, जो कंक्रीट बिल्डिंग हो, ये हट ना हो या दूसरी चीज़ ना हो, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज़ इंडिया में हर रीजन में कुछ ना कुछ होता है। अब ज़्यादातर काम उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इंदिरा आवास योजना का जो अनफिनिश्ड जो एजेंडा है अभी जो है बाकी प्रोग्राम्स के द्वारा लेके जा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह है जिसका भी अर्बन रूरल वगैरह। इंदिरा आवास योजना आवासहीन गरीबों को छत के साथ सुरक्षा और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण योजना साबित हुई और इस योजना के अंतर्गत 1985-86 से 1995-96 तक लगभग 30 लाख आवास बनाए गए। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने 1988 में साल 2000 के लिए विश्व की आवास नीति बनाई थी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भारत में राष्ट्रीय आवास नीति जुलाई 1992 से संसद में पेश की गई थी।
जिसे अगस्त 1994 में संसद ने इसका अनुमोदन कर दिया था। यह नीति विश्व की साल 2000 के लिए बनाई गई आवास नीति के अनुरूप सरकार द्वारा आवास के लिए सुविधा प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है। राष्ट्रीय आवास नीति के अनुसार सरकार या उसकी सार्वजनिक इकाइयां आवास निर्माण या आवास प्रदान करने का काम नहीं करेंगी, वे मुख्य रूप से आवास की सुविधाएं जुटाएंगी। राष्ट्रीय आवास नीति के तहत राज्य की सुविधा जुटाने की भूमिका में सभी लोगों को सस्ते या कम खर्च करने वाले आवास प्राप्त करने में सहायता करना, आवास क्षेत्र के लिए धन जुटाने में मदद करना, उचित लागत वाली तकनीकों और भवन निर्माण सामग्री का विकास करना और उसका प्रचार करना, कानूनी बाधाओं को दूर करके आवास निर्माण की गतिविधियां तेज करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, रहने के लिए बेहतर वातावरण बनाने की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाना शामिल है। ग्रामीण आवास योजना केंद्र सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना रही, जिसमें वो राज्य सरकारों को उनके द्वारा ग्रामीण आवास कार्यक्रमों पर खर्च करने हेतु आवंटित धनराशि का 50% देती है। ये योजना 1993-94 में शुरू की गई थी। इसके तहत कमजोर और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को जमीन, सेवाएं और नए मकानों के निर्माण के लिए धनराशि दी जाती है। योजना के तहत लाभार्थियों को स्थल और सेवाएं विकसित करने के लिए 2700 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा 6000 रुपए आवासों को बेहतर बनाने और 12000 रुपए आवास निर्माण हेतु दिए जाते हैं। इसमें लाभार्थी को भी खुद 10% योगदान देना होता है। केंद्र सरकार द्वारा हर यूनिट पर आए खर्च का अधिकतम 45% योगदान किया जाता है। स्थान और सेवाओं के विकास के अंतर्गत सैनिटरी शौचालय, धुआं रहित चूल्हों, नालियों और अन्य सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है। ये प्रावधान आवासों को बेहतर करने और निर्माण दोनों ही अवसरों पर लागू होता है। हमारा कंट्री तो एकदम एग्रीकल्चर बेस से ही बना। महात्मा गांधी जी के टाइम में उन्होंने क्या कहा, वो तो आपको पता है कि भाई आवर विलेजेस एंड आवर एग्रीकल्चर दीज आर दी मेन बेसिस, जय जवान जय किसान। जो किसान है उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना है, तो अगर किसान का इनकम बढ़ रहा है फिर भी वो कच्चा मकान में रह रहा है, उसको कोई शौचालय नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बिजली नहीं है, तो फ़ायदा क्या? तो वो फ़ायदा उठा पाए इस चीज़ के लिए तो वो एक ज़रूरी था कि भाई पक्का मकान बनाने का, तो इसीलिए इसका स्ट्रेस दिया गया। गवर्नमेंट का बजट का जो है उसका इम्पोर्टेंट प्लेस दिया गया और इन सब एलोकेशन वगैरह बना करके रूरल एरिया में पक्का मकान बनाएं, कंक्रीट मकान बनाएं, ताकि लोगों का उसकी वजह से वहां पे बिजली भी आ पाएगा, बाकी फैसिलिटीज़ भी वो लोग यूज़ कर पाएंगे। इंदिरा आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में मकान संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया, लेकिन लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता की कमी, मकान की गुणवत्ता और तकनीकी परिवर्तन की कमी, तालमेल का अभाव, लाभार्थियों को ऋण ना मिल पाने जैसी कमियों के चलते एक नई योजना समय की ज़रूरत थी। और साल 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए भारतीय आवासीय योजना के लिए नया परिदृश्य सामने आया। ग्रामीण आवास कार्यक्रम में इन कमियों को दूर करने के लिए और 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए 1 मार्च 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG शुरू की गई। PMAYG का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे या टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। लाभार्थियों का चयन PMAYG के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है।
वास्तव में लाभ से वंचित लाभार्थियों को भी सहायता मिले और लाभार्थियों का चयन हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पीएमएवाईजी में बीपीएल परिवारों में से लाभार्थी का चयन करने की बजाय सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 में उल्लेखित मकानों की कमी संबंधी मांगों के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है, जिसकी ग्राम सभा द्वारा जांच की जाती है। 6 दिसंबर 2019 तक के आंकड़ों के हिसाब से पीएमएवाईजी के तहत दो चरणों में वर्ष 2021-22 तक 2,95,00,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य है। पहले चरण में 2016-17 से 2018-19 के तहत 1,00,00,000 घरों के लक्ष्य के खिलाफ 97,90,000 घरों को मंजूरी दी गई है और 85,70,000 घरों को पूरा किया जा चुका है। वहीं दूसरे चरण में 2019-20 से 2021-22 के लिए 1,95,00,000 घरों का निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें से 2019-20 के लिए 51,05,396 घरों का लक्ष्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किया गया है, जिसमें से 39,03,140 लाभार्थियों को प्रतिबंध दिए गए हैं और 2,56,852 घर 6 दिसंबर 2019 को पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना तो अभी 2014-15 से प्रारंभ हुई है, जो पिछली योजनाओं में उसमें और इम्प्रूवमेंट लाके उन्होंने किया है, और उसमें इम्प्रूवमेंट ये है कि और इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा दिया जाए, कनेक्टिविटी और अच्छी हो, ये सब बनाने का प्रयास किया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कुल मिला के, अर्बन और रूरल मिला के 1,00,00,000 से ज़्यादा घर बनाने का जो इनका टारगेट है भारत सरकार का, उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी इनको मिली है घर बनाने का जहाँ तक है। और वो नए घर बनाने में जो ग्रामीण आवास योजना में शौचालय दिया जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है, और साथ साथ में जो रह रहे अपने घरों में शौचालय रहित घर हैं उसमें भी देने की व्यवस्था है, ये तो अपने में बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो जो अब की जो योजना चली है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के लिए हो या ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो, उसमें और एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात है कि वहाँ पर टॉयलेट भी दिए जाएं, पानी की व्यवस्था हो और स्कूल भी बनाए जाएं उस एरिया में वगैरह वगैरह करके, तो उद्देश्य तो बहुत अच्छा है इसमें। डिस्पाइट मोर देन 2/3 ऑफ आवर पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, वी हैव नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड एडिक्वेट पब्लिक एमिनिटीज and livelihood opportunities to them. My government will focus on creating community assets and improving basic infrastructures such as roads, shelter, power and drinking water. भारत के माननीय राष्ट्रपति ने दिनांक 9 जून 2014 को संसद के संयुक्त सत्र के अपने अभिभाषण में ये घोषणा की थी कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने तक प्रत्येक परिवार के पास जल कनेक्शन, शौचालय सुविधा, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति और तमाम सुविधाओं के साथ पक्का आवास होगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने एक व्यापक मिशन 2022 तक सबके लिए आवास शुरू किया, जो खासकर शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों के लिए है। सबके लिए आवास मिशन 2022। साल 2015 से 2022 के दौरान शहरी क्षेत्र के लिए सबके लिए आवास मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा। ये मिशन साल 2022 तक सभी पात्र परिवारों को घर प्राप्त करने में सहयोग देगा। एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और पुत्रियां शामिल होंगी। इसके तहत जिस लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भाग में अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना घर नहीं होना चाहिए, वही परिवार इस मिशन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा। लाभार्थियों को स्कीम के तहत लाभ देने के लिए उस शहरी क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना ने शहरी क्षेत्रों में लगभग 112,00,000 मकानों की मांग के विपरीत 1,00,00,000 मकानों की मंजूरी देकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इनमें से लगभग 57,00,000 मकान निर्माण के अलग अलग चरणों में हैं और 30,00,000 से ज्यादा मकान पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं।
70 साल के सफर में देश में रही तमाम सरकारों का यही लक्ष्य था कि जरूरतमंद और गरीबों के घर का सपना पूरा किया जा सके, ताकि एक गणराज्य के रूप में हर आम नागरिक को वो सारे अधिकार और सुविधाएं मिले जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। आखिर एक सशक्त राष्ट्र की यही तो पहचान है। राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश के आखिरी अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतज़ार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविज़न के साथ। नमस्कार।